अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं लाई हूँ स्लीव्स, दामन, बॉटम की, ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग। बहुत ज़बरदस्त स्टाइलिश इस तरह के ट्राउज़र जो कि स्ट्रिप की मदद से, डोरी पाइपिंग की मदद से या डोरी की मदद से तैयार किए जाते हैं। पाइपिंग जो तैयार की जाती है इस तरह की पाइपिंग, अरे वाली हो, उसमें बुकरम भी लगा कर इस तरह से सर्कल तैयार किए जाते हैं। बहुत सारे पांचे, बहुत सारी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग, दामन की डिज़ाइनिंग की ट्रिक मैं आप अपने चैनल में आपको ट्यूटोरियल के तौर पर इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। आप इस तरह की डिज़ाइनिंग खुद भी ट्राई कीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग इतनी मेहनत की डिज़ाइनिंग अपने टेलर से ही करवाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर बुकरम पर तैयार की जाती है। दो तीन कलर्स की भी इस्तेमाल की बन सकती है, दो या तीन कलर इस्तेमाल कर कर बहुत मेहनत से इस तरह के स्लीव्स, दामन, ट्राउज़र, बॉटम की डिज़ाइनिंग की जाती है। अगर आप चाहें तो इसमें लेसिस भी लगा सकती हैं, फ्रिल लगा सकती हैं, डबल फ्रिल बनाकर लगा सकती हैं। कटिंग सबकी डिफरेंट है, सबका डिज़ाइन अलग अलग तैयार किया जाता है। कोई किसी तरह से कटिंग, कोई किसी तरह की कटिंग, ट्रायंगल शेप की आप कटिंग करें, निशान लगाएं, चाहे पहले इसी तरह के कोई भी पैटर्न तैयार कर लें, फिर उसके बाद वो बुकरम पर निशान लगाकर कपड़े पर इस तरह से आयरन करें कि प्रेस हो जाए साइड में सिलाई। कोई भी आपने डिज़ाइन बनाना हो, हर डिज़ाइन डिफरेंट अंदाज में ही तैयार होता है। कुछ लोग डबल कपड़े को सिलाई लगाते हैं, कुछ लोग इस तरह के रिंग बनाने के लिए अरे पाइपिंग में बुकरम लगाकर इस तरह के सर्कल तैयार करते हैं, और कुछ लोग बुकरम का इस्तेमाल नहीं करते, अरे पट्टी को सीधा करके दोनों तरफ सिलाई लगाकर उसको इस तरह की शेप देते हैं, और इस तरह ट्रायंगल यानी कि समोसा जो तैयार किया जाता है उसकी मदद से डिज़ाइनिंग कर ली जाती है। कुछ डोरी की, बारीक डोरी जो तैयार की जाती है उसकी मदद से भी उसी डिज़ाइन को तैयार कर लेते हैं। वही सर्कल दो तीन तरह से तैयार किए जा सकते हैं, आपस में क्रॉस करके भी और आपस में ऐसे अटैच करके भी। चाहे आप इनमें मोती लगा लें, चाहे आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ही कपड़े पर सिलाई भी लगा सकती हैं। इनको सिलाई करने की ट्रिक भी बहुत अंदाज से, मुख्तलिफ अंदाज से दिखाई जाती है। कोई किसी अंदाज से अखबार पर दिखाता है, कोई डायरेक्ट ही कपड़े पर लगाना दिखाता है, और कोई कागज़ पर तैयार कर कर, कच्चा जिसे कहते हैं वो कर कर फिर कपड़े पर लगाते हैं। बहुत से मुख्तलिफ अंदाज हैं आपको दिखाने के लिए। हम ज़रूर इस तरह के डिज़ाइन दिखाएंगे जो पिनटेक्स की मदद से भी, इस तरह के राउंड राउंड पीसीस जो आप तैयार करें बहुत अच्छे अंदाज के। और ये स्ट्रिप तैयार कर कर इसको शेप दी गई है इस तरह से घुमाकर, शेप ट्रायंगल की। अब जब आप देंगी तो इसकी भी डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी बन जाएगी। और इसके अलावा ये डिज़ाइन बहुत डिफरेंट सा अलग से तैयार किया जा सकता है, आप चाहे स्लीव्स में, दामन में तैयार कर लें। और ये डिज़ाइन भी इसी तरह से आप पाइपिंग को स्ट्रेट कर कर दोनों तरफ सिलाई लगाकर कोई भी शेप बनाकर अखबार पर या कपड़े पर, पहले रफ़ कपड़े को तैयार, रफ़ कपड़े के ऊपर कर लें या कागज़ के ऊपर रफ़ डिज़ाइन तैयार करें, फिर उसके बाद कपड़े के ऊपर डिज़ाइनिंग तैयार की जाती है। इस तरह से घुमा घुमा कर डोरी को बहुत ही आसानी से भी तैयार किया जाता है। मेहनत तो सभी कामों में होती है, कोई किसी तरह से कर लेता है, कोई किसी तरह से। इस तरह से डबल कलर के समोसा भी बहुत ही प्यारे लगेंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा डिज़ाइनिंग।